Hi, today lecture is on can and could modals. Now you are with Devinder sir. Today lecture is about modals. Now get ready yourself. Thank you. Students, you are welcome in English class with Devinder sir. So, आज हम कर रहे हैं मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सभी मॉडल्स हैं. मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, और हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यदि वो वर्ब होगी तो. हैज, हैव के बाद, देखा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेकिन मॉडल्स में आ रही थर्ड फॉर्म, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मॉडल्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई. अब कुड, हैव है, अब कुड के बाद तो हैव वर्ब की ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म होती है, तो कुड के बाद जो आया है वो हैव आया है, लेकिन हैव के बाद जो आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा. तो ये अभी आज हमने जो सीखना है, कैन कुड का यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे होता है. बहुत सारे बच्चों को कई बातों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, कहीं ओब्लिगेशन के लिए, उसमें तो शुड भी यूज़ होता है, उसमें तो वुड भी यूज़ होता है. तो आपके सभी मॉडल्स के सभी कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा. इसमें बड़ी कन्फ्यूज रहते हैं सारे स्टूडेंट, तो आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा. कैन मीन्स किसी की एबिलिटी को शो करता है. कैन इज शोइंग द एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन, किसी भी आदमी की एबिलिटी को शो करने के लिए कैन का यूज किया जा सकता है. कैन मीन सकता है, और सकती है भी हो सकता है. जैसे सी के साथ यदि कैन आएगा उसका मतलब है सकती है. सी कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती है. यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं. दे कैन डू दिस वर्क, वे इस काम को कर सकते हैं. तो लीजिए फर्स्ट सेंटेंस आपका, वह इस काम को कर सकती है, वह इस काम को कर सकती है. तो वह सकती है, तो वह सी लगाएंगे. सी कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती है. वे इस काम को कर सकते हैं, तो दे आएगा. दे के साथ में दे कैन डू दिस वर्क. लड़का है, ही कैन डू दिस वर्क, तो उसमें मतलब आपका सकता है दिमाग में है, तो ही उसके लिए आता है. लड़के के लिए ही आएगा, लड़के के लिए सी आएगा, प्लूरल है तो दे आएगा. लेकिन ये वैस पेड़ पर चढ़ सकता है. ही कैन क्लाइंब ऑन दिस ट्री. दे कैन डू दिस वर्क. दे कैन गो देयर, वे वहाँ जा सकते. एबिलिटी को शो करने के लिए मेन पर्पज जो कैन का है वो एबिलिटी को शो करने के लिए आता है. कहीं इस पर बताया जाता है कि भाई, कई आप देखेंगे यूट्यूब पे, वो बिल्कुल बकवासबाजी गलत है कि भाई कैन का यूज रिक्वेस्ट के लिए आता है. कैन आई कम इन सर, कैन आई डू दिस, बिल्कुल गलत है. कैन का यूज़ कहीं भी आप यूज ना, रिक्वेस्ट के लिए यूज नहीं करेंगे, ये रूड लगता है, एक भद्दर भाषा का प्रयोग हो जाता है. भाषा में वो गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए. रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज़ कीजिए. मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू. वहाँ पर यदि आप कैन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी रूडनेस को शो कर रहा हो, वहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करना चाहिए. कई बुक्स में भी दिया रहता है ऐसे कैन लगा के, रिक्वेस्ट वगैरह, तो रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज़ ना करें बिल्कुल. ये आप अपना कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर लें. कहीं सजेशन के लिए इसका यूज किया जाता है. अब आता है कुड की बारी. कुड मीन्स सका, पाया. और सका और पाया इसका मीनिंग किस प्रकार से हो गई, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ. इसमें मैं वो काम नहीं कर सका, ये पास्ट के लिए यूज होता है. पास्ट में यदि आप कोई काम नहीं कर सके या नहीं कर सका या नहीं कर पाए, नहीं कर पाया या नहीं कर सका, एक ही बात है. हिंदी में दो तरह से बोला जाता है. मैं इस काम को नहीं कर सका, आई कुडंट, कुडंट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सका. दे कुडंट डू दिस वर्क, दे कुडंट डू दिस वर्क. अब पास्ट में कोई काम नहीं कर पाया, नहीं कर सके, तो उसके लिए पाया या सके, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड यूज करेंगे. फिर है कुड है. आप पास्ट में कोई काम नहीं कर सकते थे, पास्ट में कोई काम जो नहीं हो पाया उसके लिए मैं अभी कुछ सेंटेंस और लिख रहा हूं. तो आगे देखिए, अभी कुछ और सेंटेंसेस मैंने अभी लिख दिए हैं. आप पंखा चला सकते थे, मीन्स पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे. यू कुड हैव टर्न ऑन द फैन, यू कुड हैव टर्न ऑन द फैन.
टर्न क्यों है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के बाद आ रही है, हैव के बाद हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, हैज हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी होती है। वह मुझे फ़ोन कर सकता था, कोई काम कर सकते थे, ही कुड हैव कॉल्ड मी, ही कुड हैव कॉल्ड मी, ये काम उसके द्वारा किया जा सकता था, ही कुड हैव कॉल्ड मी। आप आ सकते थे लेकिन नहीं आए, यू कुड हैव कम, आ सकते थे, ऐसी वह ये काम नहीं कर सका, यदि सका वाली बात, ही कुडंट डू दिस वर्क, ही कुडंट कम, वह नहीं आ सका, लेकिन आ सकता था और आ सका में अंतर है, ये ध्यान रखना माइंड में, ये है नहीं आ सकता था तो कुड हैव का यूज होगा वहाँ पे, ही कुड नॉट, वह आप आ सकते थे लेकिन नहीं आए, यू कुड हैव कम बट कुडंट, मिस बट कुडंट कम, मिस बट कुडंट से कम चल जाता, दोबारा से कम लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप आ सकते थे लेकिन नहीं आए, इस प्रकार से सेंटेंस बनाने की जरूरत होती है। तो और सेंटेंसेस ले लिए, कुड हैव पे बन गए हैं, आप मान लीजिए, अब मान लीजिए कैन का यूज करें तो डब्ल्यूएच फैमिली भी उनका यूज होता है, व्हाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क, मेन जो है कैन और कुड का, पास्ट में कुड का यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए, प्रेजेंट में प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए किसी भी आदमी की, तो कैन का यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट के लिए कभी भी यूज ना करें इसका, ये ध्यान रखेंगे आप। थैंक यू।